एंटरटेनमेंट के लिए मैं गौहर खयाल। इस वक्त आप जो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं वो खबर बिहार शेल्टर होम केस से जुड़ी हुई है। बिहार शेल्टर होम केस में हम अपने दर्शकों की जानकारी को बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने पिछले साल की शुरुआत में बिहार में जो आश्रय गृह होते हैं अनाथ बच्चों के लिए या घर से भागे हुए बच्चों के लिए या ऐसे बच्चे जिनके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कोई मुकदमा चल रहा होता है तो उनको रखने के लिए जो है राज्य सरकारों के अधीन जिलों में आश्रय गृह होते हैं, ऐसे ही बिहार के आश्रय गृहों पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुछ छात्र जब काम कर रहे थे और वो इन आश्रय गृहों के हालात का जायजा ले रहे थे तो उसमें जो है इन आश्रय गृहों में शोषण की एक लंबी दास्तान देखने को मिली किसके सर्वेयर्स को, और उन्होंने इसको पिछले साल की शुरुआत में जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि इन आश्रय गृहों की हालत सिर्फ दयनीय ही नहीं है बल्कि यहाँ शोषण की इंतहा हो गई है। ख़ास तौर से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बारे में ये पता चला कि वहाँ जो ब्रजेश ठाकुर जो एनजीओ मालिक ये शेल्टर होम चलाता था वो बाकायदा वहाँ रहने वाली बच्चियों का यौन शोषण करता था, और जब 28 जुलाई को पिछले साल सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की तो तकरीबन 34 बच्चियों के साथ जो है यौन शोषण या बलात्कार या उनके साथ शारीरिक हिंसा की को आइडेंटिफाई किया सीबीआई ने, और उसी वक्त जो है उन 34 बच्चियों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनकी काउंसलिंग की, तो जो काउंसलिंग हुई उसमें ये बात उभर कर सामने आई कि तकरीबन 11 ऐसी बच्चियां थीं जिनकी बलात्कार और शारीरिक हिंसा के बाद हत्या कर दी गई थी और हत्या करके उन लाशों को गायब कर दिया गया था। दरअसल इस मामले में हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो बिहार शेल्टर होम केस था जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की और एक एक कर इसकी परतें खुलने लगी तब ये मांग जोर पकड़ने लगी कि इसको बिहार से बाहर किसी अदालत में सुना जाए, तब उच्चतम न्यायालय ने इस याचिकाकर्ता निविदा झा जो कि बिहार के में अपने सामाजिक सेवा के लिए एक बड़ा नाम है उनकी याचिका पर फैसला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस पूरे मामले को दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जहां एक पॉक्सो अदालत जो है इन मामलों की सुनवाई कर रही है, और इसमें तकरीबन 377 और दूसरे कई और मुकदमों में आरोपियों पर मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सीबीआई पर आरोप लगाया था निवेदिता झा ने कि सीबीआई की जो जांच है वो उसकी दिशा सही नहीं है और सीबीआई जानबूझकर इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिस पर कल जस्टिस दीपक गुप्ता और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को एक नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में सीबीआई ने आज जो अपना हलफनामा दायर किया है उस हलफनामे में कई बड़ी बातें खुलकर सामने आई हैं। सीबीआई ने ये कहा है इसी हलफनामे में ये जानकारी दी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेज के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी काउंसलिंग में ये बात सामने आई कि जिन 34 बच्चियों को आइडेंटिफाई किया गया था कि जिनके साथ बलात्कार या दैहिक शोषण हुआ है उन से बात करने में ये बात सामने आई कि तकरीबन 11 लड़कियों की बेदर्दी के साथ हत्या कर लाश गायब कर दी गई है। सीबीआई ने आगे हलफनामे में जानकारी देते हुए ये बताया कि जांच के क्रम में आरोपियों में शामिल एक गुड्डू पटेल ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया कि 11 हत्याओं की बात स्वीकार की, और उसी की निशानदेही पर सीबीआई ने शमशान घाट से हड्डियों की एक पोटली बरामद की है जिसकी फॉरेंसिक जाँच की जा रही है। तो सीबीआई के इस हलफनामे के बाद इस पूरे जो है क्राइम की जो गंभीरता है वो निकल कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आने वाले सोमवार यानी 6 मई को दोबारा सुनने का निर्णय किया है, और उस वक्त ही फिर कोई नया खुलासा जब हमारे साथ न्याय आएगा हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे।
न्यूज 24/7 इंटरटेनमेंट के हमारे ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हों तो यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं वहाँ इसकी लिंक को साझा करें ताकि बड़े दर्शक वर्ग तक हमारी पहुँच सुनिश्चित हो सके। और जी हाँ, यूट्यूब के पर सब्सक्रिप्शन के क्रम में जो है आप बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन जब आप पुश करेंगे तो वहाँ आप ये चुन सकते हैं कि आपको हमारे चैनल से आने वाले वीडियोस को कितनी जल्दी देखना है, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे गौहर को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई खबर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे।